तो गाइस देख सकते हैं ये वाला नज़ारा तोपचाची लेक का। अभी बारिश मानसून का टाइम है, तो अभी मानसून के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब देख सकते हैं अभी कुछ कुछ गेट खुला हुआ है उसका, जिसके कारण ऐसा ऐसा व्यू आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा इस साइड से हम दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं भाई भाई साहब क्या मस्त नज़ारा है, क्या मस्त लोकेशन है साउंड से ही। भाई साहब क्या भगा रहा है जिसान भाई, एकदम तूफान वाला वे में भगा रहा है एकदम जिसान भाई, ब्रेकिंग भी पूरा हैवी ले रहा ना। जो बना है कम से कम 100 साल पहले बना है, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। तो देख सकते हैं अभी इसका पत्थर भी कुछ नहीं हुआ है, पत्थर भी देख सकते हैं कैसा है, कुछ भी नहीं हुआ है, 100 साल पहले बना था। ऑलमोस्ट हमको लग रहा है 1924 को बना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। तो जैसे कि आप लोगों ने पहला ब्लॉग देखा तब चाची का, तो गाइस वो वाला बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जा रहा था, जिसके कारण इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो गाइस सेकेंड वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट है, और वहाँ का पूरा व्यू जो कैसा है कैसा नहीं सारा कुछ इसमें क्लियर है गाइस। तो आप लोग जाइए, आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए सेकेंड वाला, और तो चलिए ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस जहाँ से हम लोग आ चुके हैं देख सकते हैं राइडर फ्लेम, और उधर शुभम भी आ चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा वाटर बोट, यहीं सामने ही है। तो चलते हैं जिसान, चलो। तो फिलहाल गाइस यहाँ से निकलते हैं, और रोड जैसे ही बाइक एंट्री करती है इसको, मतलब एक अलग चस्का सा लग जाता है बाइक को, बाइक के साथ साथ हमको भी लग जाता है भाई। ये देख सकते हैं राइडर फ्लेम को, मतलब ये रोड जहाँ चढ़ गई वहाँ इसका मतलब अपना सीन चालू हो जाता है। हम लोग को डाउन जाना होगा, और डाउन से ही भाई साहब क्या भगा रहा है जिसान भाई, एकदम तूफान वाला वे में भगा रहा है एकदम जिसान भाई, ब्रेकिंग भी पूरा हैवी ले रहा ना। हम लोग को डाउन जाना पड़ेगा, भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है अप्रिलिया। और ये जो पहाड़ है भाई बहुत पुराना पहाड़ है। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं देख सकते हैं तोपचाची लैक हिल एक तरह से। तो आगे से हम लोग को लेना होगा लेफ्ट टर्न, बिकॉज हम लोग आगे से आए नहीं, तो हम लोग ऊपर से हाईवे होते हुए नीचे डाउन में आए, और यहां से हमको लेना होगा लेफ्ट टर्न। और जैसे ही लेफ्ट टर्न लेंगे वैसे ही हम लोग का एंट्री हो जाएगा गाइस वहाँ पर। यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट टर्न भाई साहब, देख सकते हैं ये है नीचे, और यहाँ से हम लोग की एंट्री हो चुकी है तोपचाची हिल। जय भीम जय भीम जय समरेश कुमार दास, देख सकते हैं मूर्ति लगा हुआ है, और यहाँ से देख सकते हैं अगर वृक्ष न लगाओगे जीव जंतुओं को न बचा पाओगे, भाई ये तो एकदम 100% सही लिखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और फिलहाल देख सकते हैं जैसे ही हम लोग गेट में एंटर करते हैं तोपचाची का, हम लोग को ये वाला हनुमान जी का मंदिर मिलता है, और हनुमान जी का मंदिर मिलता है, और धीरे धीरे यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है, बट छोटा सा यहाँ पे घर भी है सामने,
और इस साइड पे बहुत सारा रिसोर्ट वगैरह भी बन रहा है, अभी बना नहीं है। इधर आराम से रेंट वगैरह पे रह सकता है जिसके लिए बना रहा है। तो फिलहाल गाइस यहाँ का जो ये वाला रोड है, ये वाला रोड स्पेशली मतलब बहुत ख़राब है। यहाँ बनाना चाहिए सरकार को, बट पता नहीं कहाँ ध्यान रहती है। इतना जब जान रहा है कि यहाँ इतना सारा लोग घूमने के लिए आते हैं, तो कम से कम इसको यार बढ़िया करना चाहिए। ओ भाई साहब, यही तो है ऑफ रोड वाला बाइक का मज़ा। ऑफ रोड का मज़ा ही कुछ आ रहा है, अलग लेवल का मज़ा है। GS 310। और यहाँ पे हम लोग को जैसे ही एंटर करेंगे वैसे हम लोग को पे करना पड़ेगा। भाई पे तो करना पड़ेगा, बट यहाँ ऑनलाइन लेगा तब तो प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं वन और पर्यावरण। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको लग रहा है भाई क्या सीन है यहाँ का, ऑनलाइन लेगा तब तो है 15 रुपया ऑनलाइन लीजिएगा ना, ऑनलाइन लीजिएगा ना। यस सर, कैश कैश चाहिए, कैश वाला फंडा है। ऑनलाइन दे दीजिए, हाँ बना दीजिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे टोल चार्ज है। टैक्सी का है 200 रुपया, और टाटा मैजिक का 100 रुपया, थ्री व्हीलर 50 रुपीज़, और पिकनिक की चादर 400 रुपीज़, और मोटरसाइकिल स्कूटर 15 रुपीज़। और भाई अच्छा है, कोई नहीं, लगेगा तो देना पड़ेगा, बट सरकार को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। आदमी इतना पैसा दे रहा है तो फिर रोड को भी तो सही से बनाओ यार। इधर तो यही है मेन गेट हम लोग का, जो तोप चाची का है लैक का, यहीं से हम लोग को एंटर करना पड़ेगा। ठीक, गिरा तो फाइनली चचा हम लोग के लिए गेट खोल दिए हैं, चचा हम लोग के लिए गेट खोल दिए हैं, और हम लोग चले अंदर। और हम लोग चले अंदर गाइस, और ये यहाँ का रोड थोड़ा सा सही नहीं है, बट सरकार ये चीज़ अगर ध्यान दे देती तो आम जो हम लोग मानते हैं कि हम लोग लोकल हैं, बट बहुत सारा ऐसा है जो बाहर से भी आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। बहुत सारा कोलकाता वगैरह इधर उधर से बहुत सारा कोई आता है यहाँ पे, तो उन लोग के लिए कम से कम एटलीस्ट, यार हम लोग के लिए नहीं तो कम से कम उन लोग के लिए रोड को सही कर देते। पैसा तो दे ही रहा है, एंट्री का जो आता है वो पैसा दे ही रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके कर देने से अच्छा रहता। तो फाइनली गाइस इस तरह हम लोग का एंटर, और जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे हैं तैसे ही हम लोग को मिल गया गौ माता। गौ माता देख सकते हैं चारों ओर, और भाई तो एक अलग लेवल में जा रहा है एकदम। ऑफ रोडिंग बाइक का तो ही एक मज़ा है, कहीं भी घुसेड़ दो, कहीं भी घुसेड़ दो और निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट प्लानिंग अगर होगा तो भाई ऑफ रोडिंग बाइक का ही होगा, क्योंकि इसका मज़ा तो ले लिया, अब ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लेना है ज़िंदगी में। ओ भाई साहब, पानी पूरा एकदम, बहुत ज़्यादा पानी है। तो हम तो फाइनली दोस्तों हम लोग पा चुके हैं तोप चाची लैक, और एंटर करते ही कुछ इस तरीके का मिलता है, छोटा छोटा शॉप वगैरह है बगल में, छोटा छोटा शॉप है, और इस साइड भी है। तो भाई साहब अभी पानी पूरा फुल है, फुल है, अभी मज़ा आएगा पानी का, अभी पानी देखने लायक सीन है, देख सकते हैं। हाँ लगाओ, कैसे भी लगाओ। तो गाइस हम लोग फाइनली देख सकते हैं इधर आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं ऊपर में एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, और बहुत ही सही लग रहा है। और इधर है परशनाथ पहाड़, उस साइड से है परशनाथ पहाड़, और इधर से परशनाथ से होकर ही एक नाला बहता है जिसका पानी इसमें आके जमा होता है यहाँ पे, जो हम लोग का ये जो डैम है तोप चाची लैक, और इसी में आके जमा होता है। तो अभी इसका पानी बहुत काफ़ी टाइम से पूरा एकदम डाउन चल रहा था, बट पता नहीं इस बार इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि एकदम पूरा चारों ओर भर गया भाई इस साल।
और ये कम से कम इसका जो ये जो बना है कम से कम 100 साल पहले बना है, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। तो देख सकते हैं अभी इसका पत्थर भी कुछ नहीं हुआ, पत्थर भी देख सकते हैं कैसा, कुछ भी नहीं हुआ, 100 साल पहले बना था। ऑलमोस्ट हमको लग रहा है 1924 को बना है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है, अभी कहीं पे भी 1924 है ना, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, जैसे बोले कि वहाँ 1924 को बना है, देख सकते हैं 100 साल कंप्लीट हो चुका है इसका। झरिया वाटर वॉक्स और काफ़ी मतलब इसका एक ख़ास खूबसूरती है कि इसका पत्थर अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो पत्थर से लेकर के इसका लोहा भी कुछ नहीं हुआ, इतना ख़तरनाक मतलब अंग्रेज बनाया था इसको। और नीचे से दिखाते हैं झरना का व्यू। ओ माय गॉड व्हाट ए सीन, अभी उधर नीचे जाएंगे, उधर नीचे जाके दिखाएंगे, अभी मस्त सीन है, एकदम ज़बरदस्त सीन है। अभी नीचे जाएंगे उस साइड पे और फिलहाल उस पहाड़ को देख सकते हैं। भाई इसका जो सौंदर्य है बहुत ही सुंदर है, एकदम ज़बरदस्त सौंदर्य है। ये खूबसूरती है नेचर, यही तो है ज़िंदगी में घूमना, और कहाँ घूमना है भाई। तो इधर इसका मेन गेट है, इधर कुछ गेट है, देख सकते हैं इधर गेट है। तो ये अभी खुलता नहीं, अभी नहीं खोला है क्योंकि अभी बारिश हुआ है ना, तो पानी अभी भरा हुआ, काफ़ी टाइम से ये एकदम शॉर्ट चल रहा था, बट अभी पूरा फुल हो चुका है। और इस साइड भी खूबसूरत नज़ारा है, अभी मानसून का मौसम चल रहा है ना, तो देख सकते हैं भाई लोग कहाँ चढ़ चढ़ के फ़ोटो वगैरह ले रहा है। तो अभी हम लोग उस साइड नीचे भी जाएंगे और आप लोग को पूरा प्रॉपर व्यू दिखाएंगे गाइस एकदम। ओ माय गॉड व्हाट अ सीन यार। तो फाइनली गाइस आप लोग को ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को ये जो लोकेशन कैसा लगा, तो चाची लैक का। और इधर भी छोटा छोटा बहुत सारा पहाड़ है, इधर भी छोटा छोटा पहाड़ है, इधर भी छोटा छोटा पहाड़ है। और ये सब जगह हम मेरा ब्लॉग में 2-3 बार हम आ चुके हैं, तो काफ़ी यादगार जगह है। और इस साइड 4 चांद लगा दे रहा भाई व्यू, पूरा पानी एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं ये वाला नज़ारा तोपचाची लेक का। अभी बारिश मानसून का टाइम है, तो अभी मानसून का टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त मतलब देख सकते हैं, अभी कुछ गेट खुला हुआ है इसका, जिसके कारण ऐसा व्यू आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा इस साइड से हम दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं भाई साहब क्या मस्त नज़ारा है, क्या मस्त लोकेशन है, सही है एक नंबर। और अभी भाई लोग बहुत ज़्यादा मानसून के टाइम में इंजॉय कर रहा है, नहा रहा है सब कोई, देख सकते हैं ऊपर से, और बारिश में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है साइड पे। यहाँ पे उतरने का जगह नहीं है, उतरने का जगह भी नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं भाई साहब क्या ज़बरदस्त नज़ारा। अगर यहाँ आए और ये सीन को अगर इंजॉय नहीं किए तो कुछ भी नहीं किए गाइस। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्लेस है तोपचाची लेक, और यहाँ पे आप लोग आ भी सकते हैं, और आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ झारखंड। ओ भाई साहब भाई लोग पूरा इंजॉय कर रहा है, एकदम दिल खोल के इंजॉय कर रहा है, तो ये सही है क्योंकि नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई साहब क्या मस्त नज़ारा है।